March 2021, Elgro uploaded his first video and right from that moment entire YouTube growth scene changed. उसका पहला ही वीडियो वायरल हो गया और अभी 6 महीने हुए हैं और उसके चैनल पे 181,000 सब्सक्राइबर्स हैं। 6 महीने के अंदर इतना तगड़ा पर्सनल ब्रांड, एक सिल्वर प्ले बटन एंड मेनी वायरल वीडियोस, ये करने के लिए किसी इंसान को जीनियस तो होना ही पड़ेगा। एंड दैट्स राइट, एल्ग्रो इज अ यूट्यूब जीनियस। लेकिन रुको, जहां एल्ग्रो के किसी समय एक दिन में 4,000 सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे थे, वहां अब 4 दिन में 1,000 सब्सक्राइबर्स बढ़ना मुश्किल हो रहा है। द मोमेंट हिज हाइप एंडेड, हिज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ स्टॉप्ड इमीडिएटली। एंड एक और चीज, उसके रीसेंट वीडियोस के एवरेज व्यूज आर ऑलमोस्ट हाफ देन हिज सब्सक्राइबर्स। डज इट मीन कि एल्ग्रो अब और ग्रो नहीं होगा? चलिए जानते हैं। देखो, YouTube पर क्विक व्यूज और सब्सक्राइबर्स सबको चाहिए, मुझे भी, आपको भी। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे ग्रोथ मिलती है, एंड वहीं कुछ ऐसी मिस्टेक्स भी हैं जिनसे ग्रोथ मिलने के बाद भी चैनल पे बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। और उन्हीं लॉसेस में से एक ऐसा है जो एल्ग्रो को शायद लॉन्ग टर्म में हो सकता है। उसके बारे में आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले लेट्स टोटली गेट इनटू द वीडियो बाय रिविजिटिंग द हाइप ऑफ एल्ग्रो। आसान भाषा में कहूं तो इस चैनल की शुरुआत पे चलते हैं। 5 मार्च 2021 ही अपलोडेड दिस वीडियो, नेवर शेयर वीडियोस। उसके बाद इससे कनेक्टेड एक और वीडियो आया और फिर यूट्यूब ग्रोथ के सारे सेंसिटिव और अनडिस्कस्ड टॉपिक्स पर वीडियो आना शुरू हुए। अट्रैक्टिव थंबनेल्स, क्लिकी टाइटल्स, अमेजिंगली एडिटेड वीडियोस, कमिंग सून का यूनिक लोगो, सीरीज वाइज कंटेंट, सुपर वॉइस ओवर एंड एक्सीलेंट स्टोरी टेलिंग, ये कुछ ऐसी चीजें थी जो ऑडियंस को दिखी। और सबका मानना है कि यही सारी चीजें हैं जिनसे एल्ग्रो इतना एक्सपोनेंशियली ग्रो हुआ है। लेकिन यहीं पे एक ऐसी चीज थी जो किसी ने नोटिस नहीं की। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा एल्ग्रो की ग्रोथ का 80% क्रेडिट इसी चीज को जाता है, और वो चीज है एल्ग्रोज हाइप ऑन यूट्यूब सीन। अगर इस बात से एग्री नहीं करते तो सोच के देखो, आज से 2 महीने पहले तक कौन सा ऐसा छोटा यूट्यूब ग्रोथ चैनल था जो एल्ग्रो का नाम यूज करे बिना वीडियोस बना रहा था? ऑब्वियसली थे कुछ, लेकिन यू गॉट द पॉइंट। लोगों ने सेम थंबनेल्स कॉपी करना चालू कर दिए, एडिटिंग स्टाइल भी उठा लिया, और इवन टॉपिक कुछ भी हो टाइटल में एल्ग्रो डालना शुरू कर दिया क्योंकि इससे व्यूज आ रहे थे। तो इस पूरी कहानी से 3 क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। एल्ग्रो की ऐसी हाइप बनी कैसे, इस हाइप के फायदे क्या हुए, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस हाइप से नुकसान क्या हो सकता है। एल्ग्रो ने अपने कुछ ही वीडियोस में 10K सब्सक्राइबर्स कर लिए थे। इनफैक्ट ये कहना गलत नहीं होगा कि एल्ग्रो के 1 महीने में 50,000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस नंबर, बट उसकी ग्रोथ को हम सब ने देखा ही है। हिज फर्स्ट वीडियो गॉट वायरल, मुझे लिटरली चैनल लॉन्च के 2-3 दिन बाद उसके फर्स्ट वीडियो का इंप्रेशन आना चालू हो गया था। और ये इसलिए हुआ क्योंकि उसके दूसरे चैनल क्रिटिक पे उसने कॉन्टेंट बनाकर अच्छे लेवल पे ग्रो कर दिया था, और फिर एल्ग्रो पे प्रूफ के साथ कुछ यूट्यूब के प्रूवन मेथड्स को डिस्कस करता था, जिससे इवेंचुअली ऑडियंस को उसकी बातों पे ट्रस्ट होना चालू हो गया। और ये एक ऐसा नीश था जिसके अंदर सेम चीजों को रिपीट कर करके क्रिएटर्स बड़े लेवल तक पहुंच रहे थे, और उन्हीं के पीछे और भी ना जाने कितने क्रिएटर्स ये कॉन्टेंट बना रहे थे। मतलब कॉम्पिटिशन तो बहुत था, लेकिन एक ऐसा वॉइड था बीच में जो प्रैक्टिकलिटी को मिस कर रहा था। आसान भाषा में बोलूं तो हवा में बातें करने वाले बहुत थे, लेकिन प्रैक्टिकली प्रूवन मेथड्स को बताने वाला कोई नहीं था। एंड दैट्स वेयर एल्ग्रो स्टेप्ड इन। और उसके बाद सब जानते हैं कि क्या हुआ, एल्ग्रो के आज 181,000 सब्सक्राइबर्स हैं। अब हमारे 2 टॉपिक्स बचे, जिनमें से एक था इस हाइप के एल्ग्रो को क्या क्या फायदे हुए। ही हैव मेनी वायरल वीडियोज, ही मेड हिज पर्सनल ब्रांड, इतने व्यूज आए तो जाहिर सी बात है उसने लाखों रुपए कमाए। ही इज गेटिंग ब्रांड डील्स, फिल्मोरा जैसे ब्रांड्स की स्पॉन्सरशिप मिल रही है, एंड ही इज फाइनली अ सक्सेसफुल यूट्यूबर अंडर ओनली 6 मंथ्स। 6 महीने में इतना कुछ एल्ग्रो ने अचीव किया है। अब ऐसा कोई और कैसे कर सकता है, दिस इज द अल्टीमेट क्वेश्चन। और इसी के साथ एक ये क्वेश्चन भी है कि ऐसा कोई और कर भी सकता है कि नहीं। तो इसका आंसर होगा हाँ भी और नहीं भी। पहले देख लेते हैं कि इसका आंसर हाँ कैसे है। देखो, 2020 में इसी सीन में हमने एक क्रिएटर को बूम होते हुए देखा जो था अक्ष वर्मा। उस टाइम पे ही वॉज ग्रोइंग सो इनसेनली, सबको लग रहा था कि ऐसे ग्रो किया जा सकता है, लेकिन सबने वैसा कॉन्टेंट बनाने की कोशिश की और स्टिल वो ग्रो नहीं हुए। और तब सबको लगा कि ऐसे ग्रो करना बहुत मुश्किल है और अक्ष भाई के जितना शायद ही कोई ग्रो कर पाएगा। मतलब इतना अचानक से कोई भी ग्रो नहीं कर सकता। बट देन उसके कुछ महीने बाद पता लगता है कि इसी सीन में एक नए ओजी ने एंट्री ले ली है। यूट्यूब ऐसा ही है, यहाँ सब अनएक्सपेक्टेडली होता है। इसका मतलब आगे भी एल्ग्रो जैसी या इनफैक्ट अक्ष वर्मा जैसी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, और क्या पता वो अगले क्रिएटर आप ही हो। लेकिन इस क्वेश्चन का एक और आंसर था जो कहता था कि आपकी ऐसी ग्रोथ नहीं हो सकती। और इस आंसर को प्रूव करने के लिए मेरे पास सिर्फ एक पॉइंट है, यूनिकनेस। अगर आप वैल्यूएबल और यूनिक कंटेंट लेकर आओगे तो ऐसी ग्रोथ पाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अगर वही कंटेंट बना रहे हो जो ऑलमोस्ट सब बना रहे हैं, तो इनिशियली ऐसी ग्रोथ नहीं होगी।
शायद बाद में जाके नंबर्स बढ़ जाएं, लेकिन इतनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का सपना लेना भी सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। एंड अगेन एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। नाउ कम्स द मेन क्वेश्चन कि ऐसी ग्रोथ कोई और कैसे अचीव कर सकता है, और इसका सिंपल सा आंसर है, ये तुम्हें एलग्रो बताएगा। वॉच हिज वीडियोज एंड इंप्लीमेंट हिज मेथड्स। मोस्ट इंपोर्टेंटली कीप ऑन मेकिंग वीडियोज एंड फाइंड योर ओन मेथड्स व्हिच बेनिफिट्स यू द मोस्ट। अब बारी हमारे वीडियो के अल्टीमेट पार्ट की, क्या एलग्रो का चैनल सच में डेड होने वाला है। अभी हम डिस्कस करेंगे एलग्रो की हाइप का एक ऐसा एस्पेक्ट जो शायद एलग्रो को बहुत भारी पड़ सकता है, एंड दैट इज हिज क्विक सब्सक्राइबर्स। जैसे जैसे एलग्रो की हाइप बढ़ी, पीपल सब्सक्राइब्ड हिम आफ्टर हिज सिंगल वीडियो। हम सबको पता है कि कितने लोग किसी चीज को सिर्फ उसकी हाइप की वजह से फॉलो करना शुरू कर देते हैं, एंड वही एलग्रो के साथ भी हुआ। देर आर सो मेनी सब्सक्राइबर्स जो एलग्रो के वैल्यूएबल वीडियोस को देखने के लिए नहीं आते, बल्कि सेल्फ प्रमोशन के लिए आते हैं। कमेंट्स में स्पैमर्स भी काफी हैं, जिसकी वजह से एलग्रो की ब्रांड वैल्यू पे तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। ही माइट गेट अननोटिस्ड बाय द ब्रांड्स। अगेन ये मेरा ओपिनियन है, सम ऑफ यू माइट अग्री, सम ऑफ यू माइट नॉट। फिर वहीं पे कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स भी हैं जो एलग्रो की वीडियोस को देखते ही नहीं है, जिनको हम डेड सब्सक्राइबर्स तो नहीं बोल सकते अभी, बट फ्यूचर में शायद वो टोटली डेड सब्सक्राइबर्स बन जाए। और उसके बाद एक ये भी फैक्टर है कि इस नीश के टॉपिक्स लिमिटेड है। मेरा मतलब है कि इस सब्जेक्ट के ज्यादा से ज्यादा कितने ही वीडियोस बन जाएंगे, 50-100। वैसे तो 1000-1500 वीडियोस बनाने वाले भी क्रिएटर्स हैं हमारे पास, लेकिन 50-100 वीडियोस के बाद सब रिपीटेटिव लगने लगता है, एंड अनफॉर्चुनेटली पीपल विल स्टॉप वॉचिंग हिज वीडियोस। बट वी नो एलग्रो इज स्मार्ट, ही मस्ट हैव डिसाइडेड द अल्टीमेट प्लान फॉर ऑल हिज चैनल्स। अब जो होगा वो तो टाइम ही बताएगा। इट वॉज जस्ट माई ओपिनियन। आई होप इससे आपको यूट्यूब के बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो जल्दी जल्दी में सब्सक्राइब मत कर देना, मेरे और वीडियोस देखो, मैं क्रिएटर एनालिसिस भी बनाता हूँ, अगर वो पसंद आते हैं देन सब्सक्राइब। और हाँ, एलग्रो की ग्रोथ के बहुत ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो यूट्यूब पर ग्रो करने के लिए जानने बहुत जरूरी है, उनको जानने के लिए मेरा ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत काम का हो सकता है। ये एलग्रो का एनालिसिस वीडियो है, और बियर बाइसेप्स के अल्टीमेट ग्रोथ सीक्रेट्स के लिए ये वीडियो देखना पड़ेगा।